हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन की फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप कैसे फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, और फ़ोटो एंड वीडियोस को आप कैसे छिपा सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो वीडियोस को आप हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को छिपा सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको सिंपली बैक करना है और जाना आपको फाइल ऑप्शंस पे। तो फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, सेव फोल्डर पे जाना है। सेव फोल्डर पे जाकर जो भी आप फोटोज़ को हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से फोटोज़ गैलरी पे जाना है, जो भी फोटोज हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड 3 डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है। मूव टू सेव फोल्डर जब आप करते हैं तो आपके फ़ोन की जो फोटोज़ होती हैं हाइड हो जाएंगी, और हाइड होते ही छिप जाएंगी। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को आप छिपा सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और आप चाहें तो वीडियो भी हाइड कर सकते हैं। सिंपली आपको बस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से फ़ोटोज़, और यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करके आपको बस यहाँ से मूव आउट कर देना है। मूव आउट करते हैं तो आपकी वीडियो हाइड हो जाएगी और आपकी हाइडिंग फोल्डर में चली जाएगी, जहाँ से आप इनको यहाँ से शो कर सकते हैं। यूँ पासवर्ड डाल के आप इसको शो कर पाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, इनको वापस भी अनहाइड भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।